अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है और पेपर पॉइंट व्यू से एमसीक्यूज की हद में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। और याद रहे, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हम अभी भी पढ़ रहे हैं, पीछे पढ़े हैं, ये तमाम क्वेश्चन आगे की एक्सरसाइज में काम आएंगे और बड़े क्वेश्चन के अंदर काम आएंगे, जो कि चांसेज हैं कि आपके पास 5 मार्क्स के लिए आएँ। तो काइंडली फोकस रखें। तो चलें सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, ए इज पैरेलल एंड बी परपेंडिकुलर टू इट। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक लाइन है, जैसे पार्ट नंबर 1 है, एक लाइन है उसका स्लोप ये होगा। अब वो कह रहा है कि एक लाइन है उसका स्लोप ये है, तो बताओ कि जब उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन पहला ए कहा गया है, ए का मतलब क्या है कि उस लाइन के पैरेलल कोई लाइन होगी उसका क्या स्लोप होगा, और फिर उस लाइन से कोई परपेंडिकुलर लाइन होगी तो उसका क्या स्लोप होगा। तो हमने क्या करना है, पैरेलल लाइन कंडीशन और परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन को यूज करते हुए वो आंसर दे देना है। कैसे करते हैं जरा, तो सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, इन कंडीशन को यूज़ करते हुए आंसर दे देना है। तो उसको मैंने 2 मिनट में समझाने के लिए यहाँ पे ये चार्ट बना लिया है, ताकि हम इजीली इसका आंसर दे सकें। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सीरियल नंबर का कॉलम बनाया, 1, 2, 3, 4। तो टोटल 4 पार्ट थे, 4 के 4 पार्ट ले लिए। गिवन स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि ये जो स्लोप दिए गए हैं, एक लाइन का स्लोप दिया गया है, तो वो क्या, सबसे पहले 3/5 -7/2 और -1/4, ये बेसिकली हमें एक लाइन का स्लोप दे दिए गए हैं, जिसको हमने M1 कह दिया है। ठीक है जी बेटा, अब पहली कंडीशन क्या की है, ए में हमें कहा गया कि उस लाइन दूसरी लाइन का स्लोप मालूम करो जो कि इस लाइन से क्या है, पैरेलल है। और फिर हमें पार्ट बी में क्या कहा गया है कि इस लाइन से परपेंडिकुलर है, तो ये जो स्लोप होंगे वो M2 बन जाएंगे। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ पैरेलल लाइन कंडीशन यूज करनी है, कि हमें पता है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो इन दोनों के स्लोप सेम हो जाते हैं। और इसी तरीके से जब परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन होती है, तो M1 × M2 करके −1, ठीक है ना। इस कंडीशन को यूज करते हुए यहां से M2 की वैल्यू निकालेंगे। M1 तो हमें गिवन है, इधर पुट करना है, थोड़ा सा अरेंज करके M2 की वैल्यू निकाल लेंगी, तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर लाइन की भी कंडीशन जो स्लोप है वो निकल कर आ जाएगा। तो चले जी आ जाए, तो चले जी, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, और उसके अलावा थोड़ी सी कोई सिंप्लीफिकेशन करनी हो तो मैं इस पेज के ऊपर आपको समझा दूंगा। ठीक है जी बेटा, चले जी आ जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये एक लाइन है, ठीक है जी, ये पहले पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते। भाई ये कह रहा है कि एक लाइन है L1, उसका स्लोप M1 है, वो क्या दिया हुआ है, 2/3। हमें कहा गया कि इसी के लाइन अगर कोई दूसरी लाइन पैरेलल हो, ठीक है जी बेटा, पैरेलल हो, लाइन 2 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, बिल्कुल हमें कॉमन सेंस की बात है, M1 = M2 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल लाइन का स्लोप एक दूसरे के सेम होते हैं, तो लगता है इसका स्लोप बिल्कुल यही होगा। इसी तरीके से इस लाइन इसका भी स्लोप बिल्कुल सेम होगा, और इसका भी स्लोप बिल्कुल सेम होगा, और इसका भी स्लोप बिल्कुल सेम होगा। ये क्यों किया, क्योंकि ये बेसिकली क्यों क्या, ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप और जो दूसरी लाइन पैरेलल उसके लाइन है, दोनों के स्लोप जो होंगे सेम होंगे, तो लिहाजा यहाँ पे जो स्लोप होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा, ऑटोमेटिकली सेम ही हो जाएंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 इज M1, ये है, और स्लोप ऑफ लाइन 2 जो उसके पैरेलल है वो M2 है, M2 भी ऑटोमेटिकली यही बन जाएगा। अब आते हैं स्लोप ऑफ लाइन 2 जो कि परपेंडिकुलर है, अब इसके परपेंडिकुलर है, तो भाई परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाएंगे, भाई लाइन 1 हमें यहाँ पे दी गई है, मिसाल के तौर पे ये लाइन 1 है L1, उसका स्लोप क्या है M1, वो क्या दिया है, मिसाल के तौर पे ये 2/3 दिया गया है। हमें कहा गया है कि भाई इस लाइन के, अब जो पार्ट बी हमें कहा गया, बोला कि दूसरी जो लाइन है वो इससे परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मालूम करके दो, जो बेसिकली M2 प्रेजेंट कर रहा है, और ये लाइन 2 है, तो इसको निकालने के लिए हमें पता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या होती है, M1 × M2 = −1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो M2 = −1/M1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड। तो भाई यहाँ पे आपके पास M1 की वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 2/3, सही जी बेटा, आपको यहाँ पे 3 डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, 3/2 बन जाएगा, सही जी बेटा, M2, ये आपके पास स्लोप निकल कर आ गया। तो स्लोप ऑफ इस लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन स्लोप होगी, उसका स्लोप क्या निकल गया है, −3/2। अच्छा जी, यहाँ पे अक्सर बच्चों को हो रही होगी कंफ्यूजन कि सर यहाँ पे आप कैसे करते हैं, इसको घुमा के आप 2 क्यों नहीं ले गए, कैसे नहीं ले गए, ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं देख रहा होता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये काम करना है, ठीक है जी बेटा, आपने सिंपल क्या किया, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1,
सही जी। और इसके नीचे क्या है, ये है मतलब कि वो डिवाइड वाली फॉर्म है, और नीचे मजीद डिवाइड कर दे, नीचे क्या लिखा हुआ है 2 और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 3। तो आपने पूरी वैल्यू को कैलकुलेट किया, इसको इक्वल किया तो 3/2 आ गया, ये ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई करके दे देगा अगर आपको ये टर्न करना नहीं आता। सही जी बेटा, 3/2 था तो 3/2 आ गया, माइनस लिखा तो वो माइनस आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं तो भाई सीधी सी बात है, ये लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो भाई m2 = -1/m1 है। हम डायरेक्ट अब यूज़ करें, कुछ समझ आ गई होगी, कोई इतनी बेसिक अब सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी। तो m1 यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, m1 यहाँ पे आपको दिया है -7/2। तो अगेन ये 2 डिवाइड किया, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/7 आ जाएगा माइनस का, और ऊपर माइनस ऑलरेडी लिखा है, माइनस से माइनस ये कट गया तो m2 आपके पास क्या आ गया, 2/7। सही जी बेटा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2/7 यहाँ का स्लोप आ गया। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, अब इसका निकालते हैं पार्ट 3 का। तो m2 = -1/m1 है, तो यहाँ पे m1 का क्या है वैल्यू, यहाँ पे माइनस का 1, तो ऊपर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस कट के 1 आ गया, तो m2 की वैल्यू क्या निकल गई, 1। तो यहाँ का स्लोप क्या होगा परपेंडिकुलर लाइन का, 1 होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे निकालते हैं, तो भाई m2 निकालना है, m2 = -1/m1 हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो m1 यानी कि स्लोप 1 क्या था, पहली लाइन का था वो 4 था, तो हमने m1 की वैल्यू पुट करी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहीं पे आपके पास m2 यानी कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया, वो क्या आ गया, -1/4। तो -1/4, तो यहां पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है स्टूडेंट। तो भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 का सलूशन करने जा रहे हैं, तो चले जी आए चलते हैं। तो सबसे पहले सलूशन लिख दें, सलूशन लिखने के बाद हमें पता है कि भाई हमें यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन 1 और स्लोप ऑफ लाइन 2 निकालना है, और फिर देखना है कि कौन सी कंडीशन लग रही है, और फिर बता देंगे कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर या कोई भी नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन 1 मालूम करेंगे। ठीक है जी, तो स्लोप ऑफ लाइन 1 को हम L1 कह देते हैं। तो भाई स्लोप ऑफ लाइन क्या है, यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं। पहली जो लाइन है, पहली लाइन के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पहली पॉइंट का क्या है 1,2 और दूसरा क्या है यहाँ पे 3,1। अब ये क्या है, लाइन 1 है, तो लाइन 1 के स्लोप को हम M1 कह देते हैं। ठीक है जी बेटा, तो हम स्लोप ऑफ लाइन 1 मालूम करने जा रहे हैं, तो M1 किसके इक्वल हो जाएगा, y2 - y1 / x2 - x1। ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 पॉइंट हैं, तो इस 2 पॉइंट को यूज़ करते हुए स्लोप निकालने का फार्मूला यही होता है। तो भाई पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कंसीडर कर देंगे, और दूसरे वाले पॉइंट को x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2। ठीक है जी बेटा, अब यहाँ पे क्या करना है, x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास 1 है, और y2 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है जी, अब x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है, और x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 है। तो अब सोल्व कर लें इसको, ऊपर आपके पास माइनस का 1 बचेगा, नीचे आपके पास यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास m1 स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या निकल के आया, -1/2। सही जी स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर होगी। अब आगे क्या करना है, अब हम यहाँ पे आगे करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन 1 निकाल लिया, अब स्लोप ऑफ लाइन 2 निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन 2, ठीक है जी, TWO2, तो स्लोप ऑफ लाइन 2 को हम मतलब कि स्लोप ऑफ लाइन 2 निकाल लें, तो लाइन 2 को L2 से प्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे लाइन को भी ज़रा सिंबलाइज कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ अच्छे तरीके से बच्चों को क्लियर रहे। तो ये कौन सी है, लाइन 2 है। अब लाइन 2 जो है वो 2 पॉइंट से गुजर रही है, 2 पॉइंट कौन से हैं, 0, -1 और 2,0। ठीक है जी, लाइन 2 के स्लोप को हम m2 कह देते हैं। अब m2 मालूम करने के लिए अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे, m1 y2 - y1 x2 - x1। तो अगेन x1 - x2, y1 और y2, x2, पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कहते हैं, और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कहते हैं। कॉमन सेंस की बात है, इतनी बार हम कर चुके हैं। ठीक है, अब पुट कर दें, तो भाई y2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x2, x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 0 है। सोल्व कर दें, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपने क्या मालूम किया, ये आपने स्लोप मालूम कर लिया। ठीक है जी बेटा, तो स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या निकल के आया है आपके पास, 1/2। ठीक है जी बेटा, अब आपने क्या करना है, अब आपने बेसिकली ये दोनों लाइन के स्लोप मालूम कर लिए। अब आपने चेक करना है कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 पैरेलल। ठीक है जी बेटा, अब पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल के लिए हमें पता है कि भाई m1 = m2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि m1 = m2 है, m1 है -1/2 और m2 बेसिकली आपके पास क्या है, 1/2। नहीं भाई, ये तो नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 4 परपेंडिकुलर। ठीक है जी बेटा, परपेंडिकुलर
तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू इक्वल टू माइनस वन आना चाहिए। तो एम वन का है क्या है हमारे पास माइनस वन अपॉन टू, और एम टू हमारे पास यहाँ पे क्या है वन अपॉन टू। ठीक है जी बेटा, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो वन से वन मल्टीप्लाई किया माइनस का वन, टू को टू से मल्टीप्लाई किया फोर आ गया, और इक्वल टू माइनस वन आ गया। क्या यहाँ पे अब यहाँ पे दोनों चीजें इक्वल आई है, नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन इसके ऊपर नहीं लिखी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि बोथ लाइन, ठीक है ना, बोथ लाइन्स, बोथ लाइन नाइदर, ठीक है जी बेटा, नाइदर पैरेलल पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। बेसिकली इसके अंदर हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि भाई ये दो लाइनें हैं, बताओ क्या है, ये पैरेलल है परपेंडिकुलर है नाइदर है, तो ना तो ये पैरेलल है ना ही तो परपेंडिकुलर, तो ये कुछ भी नहीं है। ये हमने चेक कर लिया कंडीशंस को यूज़ करते हुए। अब चलते हैं पार्ट टू की तरफ, ठीक है जी बेटा स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर टू करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल पार्ट नंबर वन की तरह है, तो इसीलिए आधा मैंने ऑलरेडी ही लिख के रख लिया ताकि जल्द से जल्द हम इसका सोल्यूशन आपको समझा सकें। स्टूडेंट आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर टू के अंदर हमें अगेन वही बताने के लाइन वन और लाइन टू दी गई है, और बताने कि ये एक दूसरे के पैरेलल है परपेंडिकुलर है, ये कुछ भी नहीं है। तो भाई स्लोप ऑफ लाइन वन स्लोप ऑफ लाइन टू निकालेंगे, और ये जो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशन है इसके ऊपर देखेंगे कि कौन सी लग रही है, और फिर वो बता देंगे वो है। तो इसीलिए सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन वन निकाला, तो स्लोप ऑफ लाइन वन यानी कि दो पॉइंट जो दिए गए हैं एक लाइन के 0, 3 और 3, 1, तो इन दो पॉइंट को यूज करते हुए स्लोप निकाला, वो हमारा निकल गया माइनस टू अपॉन थ्री। इसी तरीके से स्लोप ऑफ लाइन टू निकालेंगे, उसको हमने एल टू कहा है। स्लोप ऑफ लाइन टू के हमारे पास दो पॉइंट क्या दिए गए हैं माइनस वन फोर और -7, -5। ठीक है जी बेटा, इन दो पॉइंट को इधर पुट किया और इन दो पॉइंट से हमने स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ लाइन टू, वो हमारे पास क्या निकल गया है 3/2। तो स्लोप ऑफ लाइन वन और स्लोप ऑफ लाइन टू निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, बताएंगे ये पैरेलल है परपेंडिकुलर है क्या है। तो पहले सबसे पहले फोर पैरेलल पैरेलल के लिए काम कर लेंगे। ठीक है जी, पैरेलल के अंदर क्या होता है एम वन इक्वल टू एम टू होता है। तो मुझे बताओ एम वन -2/3 है और 3/2 है, तो भाई ये माइनस ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो भाई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं है, सही है, यानी कि ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं, ये कंडीशन नहीं लग रही। अब इसके बाद क्या करते हैं, फोर परपेंडिकुलर, ठीक है जी, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के लिए चेक कर लेते हैं, भाई परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन थी, परपेंडिकुलर की कंडीशन थी एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू इक्वल टू माइनस वन, चाहो तो फार्मूला शीट से भी देख सकते हो। तो भाई एम वन हमारे पास क्या है, एम वन -2/3 मल्टीप्लाई बाय एम टू, एम टू हमारे पास क्या है 3/2, सही जी, इक्वल टू माइनस वन। तो बेटा ये थ्री कट गया, ये टू और ये टू कट गया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, सिर्फ माइनस का वन और ये माइनस का वन आ गया। तो भाई ये कंडीशन अब जरा देखेगा कि हमने एम वन एम टू को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू माइनस वन आ गया, जी बिल्कुल आ गया। तो अब यहां से हमें पता चल रहा है कि भाई बोथ लाइंस, ठीक है जी बेटा, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है जी बेटा, परपेंडिकुलर बिकॉज परपेंडिकुलर है बिकॉज जो इनकी कंडीशन है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए, ये आ चुका है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी बेटा। याद रहे कि इस तरह की लाइनें ज़रूर लिख दिया करें पेपर में, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ भाई आपने आंसर दे दिया। इस तरीके से आधा आधा मत छोड़ दिया करें। यहाँ पे आके हम लोगों ने पार्ट नंबर टू कर लिया, अब चलते हैं पार्ट थ्री की तरफ स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर थ्री करने जा रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन वन निकालेंगे। तो ये लाइन वन है, इस लाइन के दो पॉइंट दिए गए हैं, इन दो पॉइंट को यूज़ करते हुए स्लोप पॉइंट का स्लोप का फार्मूला यूज़ करते हुए स्लोप निकाल लिया, y2 -y1 / x2 - x1। आपको पता है फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कहते हैं। तो सिंपल वैल्यू हमने पुट करी, इस तरह की हम पहले ही काम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रा देख लीजिएगा, इन द एंड वैल्यू पुट करी सिंप्लीफाई करा तो 3 1 3 और 3 2 6, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 2 m1 आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन वन इज -2। इसी तरीके से स्लोप ऑफ लाइन टू निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन टू के दो पॉइंट हमें क्या दिए हैं, ये लाइन वन थी और ये लाइन टू है। तो इस टू लाइन के दो पॉइंट जो दिए गए, इन दो पॉइंट को यूज करते हुए स्लोप निकालेंगे। तो वैल्यू हमने इधर पुट करी, सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे आपके पास -2 आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन टू m2 आपके मतलब स्लोप ऑफ लाइन टू आपके पास -2 आ गया। अब हमें चेक करना है कि भाई ये जो दो लाइन है पैरेलल है परपेंडिकुलर है क्या है। तो सबसे पहले फोर पैरेलल पैरेलल के लिए हम लोग काम करते हैं। तो भाई पैरेलल की क्या कंडीशन थी, पैरेलल की ये कंडीशन थी कि m1 इक्वल टू m2 होता है। क्या यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 है, जी बिल्कुल बेटा, m1 इक्वल टू m2 -2 है। तो यहाँ पे अब हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई बोथ लाइंस, ठीक है जी बेटा, बोथ लाइंस आर
पैरेलल, ठीक है, ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, बिकॉज क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो पैरेलल लाइन की कंडीशन है m1 इक्वल टू m2 वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सही जी बेटा। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, पार्ट नंबर फोर करना है। तो अगेन पार्ट नंबर फोर में सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन वन निकालेंगे, जो लाइन वन के दो पॉइंट दिए हैं उन दो पॉइंट को यूज करते हुए स्लोप निकालेंगे m1, ठीक है जी बेटा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यूज पुट करिए ऊपर 0 अपॉन 1 एंड द एंड बचाओ 0 को जिससे भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन वन हमारे पास 1 आ चुका है। अब स्लोप ऑफ लाइन टू निकालेंगे, तो भाई स्लोप ऑफ लाइन 2 के जो दो पॉइंट दिए गए थे उन दो पॉइंट को हम यूज करते हुए स्लोप निकाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पहले वाले पॉइंट को x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसीडर करते हैं, हमने वैल्यूज निकाली, वो पुट करी, बेसिक सिंपलीफिकेशन करी, ये प्लस माइनस हो गया 0 बचा, 0 से कुछ भी डिवाइड करते हैं 0 ही आएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 और स्लोप ऑफ लाइन 2 हमारे पास यहां पे 0-0 आ गया है। अब एक अंधे को भी नजर आ रहा होगा कि भाई दोनों स्लोप सेम ही है तो भाई ये पैरेलल ही होगा, ठीक है जी बेटा। तो लेकिन फिर भी हमें प्रेजेंटेशन तौर पे अपने अपनी अच्छी करके रखनी है, तो भाई सबसे पहले फोर पैरेलल चेकिंग करेंगे। तो भाई पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है, m1 इक्वल टू m2 होता है, तो यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 है जी, बिल्कुल 0 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अब कह सकते हैं हिंस बोथ लाइन्स, ठीक है जी बेटा, बोथ लाइन आर पैरेलल, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है पैरेलल लाइन की कि m1 इक्वल टू m2 इज सेटिस्फाइड, ठीक है जी बेटा। तो ये हमारा आंसर है। अब हम चाहें तो आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर थ्री एंड फोर हमने किया है, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन आर पैरेलल, तो दोनों लाइन हमारी पैरेलल है, वही हमने आपको दिखाई है, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट होता है और इस वीडियो को भी एंड करते हैं। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो बेटा तमाम क्वेश्चन तमाम चीज़ें सिर्फ आप लोगों के लिए सोल्व करवा रहा होता हूँ, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेज दो, क्योंकि भाई तुम लोगों के लिए तो करवा रहा हूँ, सेकंड ईयर के अंदर जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए तो करवा रहा हूँ, तो हो सके तो अपने ग्रुपों में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी आपको ग्रुप मिलते हैं उनके अंदर कोचिंग का हो कॉलेज का हो शेयर कर दिया करो, और हो सके तो लाइक कर दिया करो तमाम वीडियो से। ये होता है कि वीडियो प्रमोट ज़्यादा होती है, यूट्यूब फिर उसको सपोर्ट ज़्यादा करता है उस वीडियो को। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, मेहनत कीजिए, बस यही कहूँगा। अल्लाह हाफिज़।